बच्चों आज हम हिंदी के पाठ संख्या दो जिसे हमें कहानी पढ़नी है जिसका नाम है असली चित्र उससे हम आज आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि असली चित्र आपके हिंदी के पाठ संख्या दो में पढ़ना है और इसके रचनाकार का नाम संकलित है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी कि संकलित का अर्थ क्या होता है। संकलित माने ये होता है कि इस कहानी का कोई रचयिता नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, ये किसी कहानी के संग्रह से इस कहानी को कलेक्ट किया गया है, या हो सकता है किसी मैगजीन या किसी आर्टिकल वगैरह में ये कहानी लिखी गई हो जहां से इसको कलेक्ट किया गया है, जिसमें उस कहानी के रचनाकार का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर संकलित लिख दिया गया है कि इस कहानी का कोई भी राइटर लिखने वाला नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि ये कहानी एक कंजूस सेठ की थी और किस तरीके से वो कंजूसी से जो है वो अपने पैसे बचाता था, लेकिन तेनालीराम ने जो है उसकी कंजूसी को किस तरीके से खत्म किया। अब उस कहानी को जब आप समझ चुके, हमने आपको बता दिया, तो इससे रिलेटेड आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस क्वेश्चन आंसर को बनाना है। पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर दिया है, आप देखिए कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि ये कहानी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखें। अब आपको कहानी को संक्षेप में समझ लेना है, मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में समझा चुका हूँ आपको। अब आप बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इसको अपने विचार अपने शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर दो है बच्चों कि इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा आपको। मैंने बताया था कि इस कहानी में देखा जाए तो मेन तीन पात्र है, एक कंजूस सेठ का किरदार है, दूसरा चित्रकार का है और तीसरे नंबर पर तेनालीराम का किरदार आता है। तो बच्चों आपको कौन सा किरदार इसमें अच्छा लगा, कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों, आपको अपने शब्दों में अपने विचारों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया। मैंने बताया था कि जब वो कई बार चित्रों को बनाता है और वो बार बार कंजूस से अपने चेहरे को बदल लेता है, तो वो तब आकर वो तेनालीराम के पास जाता है और वो अपने मसले का हल पूछता है कि मैं अब क्या करूं। तो तेनालीराम उसको बताते हैं कि इस बार जो तुम चित्र बना के नहीं ले जाना बल्कि तुम आईना ले जाना। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया। ये तीनों प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके बाद ख में है कुछ विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द आप समझते हैं ना, विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टे, है ना, उल्टे शब्द। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो है नया, तो नया का जाहिर सी बात है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, पुराना। अब बाकी आपको खुद बताना है, मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया। नंबर एक है नया, नंबर दो है निराशा, नंबर थ्री है समझ, नंबर चार देव और नंबर पांच है सही। ये आपको दो नंबर है, ये इसको बनाने में पहला प्रश्न उत्तर, दूसरा विपरीतार्थक शब्द। अब ग में आइए, तो ग में मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरों को लिखा है जिन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। अब नंबर एक क्या है यहाँ पर मुहावरे, पानी पानी होना। जाहिर सी बात है पानी पानी होना का मतलब क्या होता है, आदमी जब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, शर्म साल हो जाता है, उसको हम लोग मुहावरों क्या बोलते हैं, कह रहे मैं तो आज शर्म से पानी पानी हो गई। अब इसको वाक्य में आपको प्रयोग करना है। और नंबर टू में है काम चांदी होना। अब हम कहीं जाए और अचानक से मेरी लॉटरी निकल जाए तो राइस बात है, हम खुशी में क्या बोलते, कह रहे आज तो मेरी काम चांदी हो, यानी मेरा काम बन गया। ये दो नंबर वही है। नंबर थ्री है हिम्मत हारना। जाहिर सी बात है हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और फिर क्या होता है कभी कभी हम थक के कहते हैं कि नहीं आज हम हिम्मत हार चुके हैं। तो ये हिम्मत हारना पर भी आपको जो है मुहावरे का वाक्य बनाना है। और लास्ट है भौचक रह जाना। भौचक रह जाना आप समझते हैं ना, मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि हम जो है अचानक से कुछ ऐसा देखते हैं कि हम भौचक के रह जाते हैं, है ना। अब हम कहीं जा रहे हैं मान लो और सामने से अगर कोई शेर चला है, हम भौचक रह जाएंगे, तो ये हो गया भौचक रह जाना। इन मुहावरों को आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना है और ये विपरीतार्थक शब्द है
मैं आपके साथ